रोबोट तकनीक सबसे तेजी से विकसित हो रही मॉडर्न तकनीक कही जा सकती है। वैज्ञानिकों ने रोबोट विकास तकनीक में एक और बेहतरीन खोज की है। वैज्ञानिकों ने ऐसे नन्हे रोबोट बनाए हैं जो मानव शरीर के गहरे से गहरे हिस्सों में पहुंचकर बीमारियों को पहचानने और उनके इलाज के लिए बेहद सहायक होंगे। हांगकांग की चाइनीज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ऐसे बेहद छोटे रोबोट्स का झुंड तैयार किया है जो चुंबकीय कणों की मदद से शरीर के अंदर घुसकर बीमारियों को पहचानने में मददगार होंगे। ये न सिर्फ बीमारी का पता लगाएंगे बल्कि उन बीमारियों के उपचार में भी मदद करेंगे जिसके लिए शरीर की कुछ खास कोशिकाओं में दवाई पहुंचानी होती है। रिसर्चर्स ने इन रोबोट्स को पानी में पाए जाने वाली काय के जीवों से बनाया है। वैज्ञानिकों ने इन नन्हे रोबोट्स पर शैवाल के सूक्ष्म जीवों की परत चढ़ाई जिसमें कुछ चुंबकीय कणों को मिलाया गया। ये रोबोट शरीर के अंदर मौजूद ढके हुए टिश्यूज के भीतर जाकर भी ट्रैक किए जा सकते हैं। शैवाल की जीवों की प्राकृतिक चमक इन रोबोट्स को ट्रैक होने में मदद करती है। इसकी मदद से शरीर के उन टिश्यूज तक भी पहुंचा जा सकता है जो आमतौर पर MRI की मदद से भी पकड़ में नहीं आते हैं। इन रोबोट्स की खास बात यह है कि शरीर के भीतर बीमारी के कारण होने वाले रासायनिक बदलावों को पहचान लेते हैं। इसके चलते इनकी मदद से खतरनाक रोगों की पहचान हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नन्हे चुंबकीय रोबोट शरीर के किसी भी हिस्से में जाकर दवाई इंजेक्ट करने में सक्षम है। ये कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में काफी मददगार साबित हो सकते हैं क्योंकि ये स्वस्थ कोशिकाओं को बिना हानि पहुंचाए सीधे कैंसर सेल को अटैक करते हैं। टीम इंडिलिंक्स।